भारत की संस्कृति और परंपराएं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और ये सब कुछ मंदिरों के माध्यम से गहरे रूप से जुड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भक्ति के साथ साथ कुछ मंदिर अपनी धन दौलत के लिए भी मशहूर हैं? हाँ, ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ श्रद्धालुओं की अर्पण से सदियों से सोना चांदी और कीमती रत्न जमा होते जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे भारत के 8 सबसे अमीर मंदिरों की यात्रा पर, जहाँ भक्ति के साथ छुपी है धन दौलत और उनकी अनोखी कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मानसी और मैं लौट आई हूँ एक और वीडियो के साथ, जहाँ हम बात करने वाले हैं 8 सबसे अमीर मंदिरों के बारे में और आखिर किस मंदिर में कितना पैसा छुपा है। और यकीन मानिए, ये बहुत सारी कंपनीज के टर्नओवर से भी ज्यादा है। और जिन मंदिरों के बारे में आज के हम वीडियो में बात करेंगे, वो सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों के लिए भी बहुत ज्यादा अपना योगदान देते हैं। और इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी है जिसकी नेटवर्थ 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो चलिए, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, क्योंकि ये तो आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया की 8 सबसे रिचेस्ट टेंपल की लिस्ट में जो 8वें नंबर पर आता है, उसमें है गुजरात का वेरावल में स्थित सोमनाथ टेंपल। ये मंदिर आजादी के बाद दोबारा बनाया गया था। इसके निर्माण में 130 किलो सोना इस्तेमाल किया गया था और इसके अलावा 150 किलो सोना इसके सिर्फ शिखर पर है। इस मंदिर की संपत्ति 140 करोड़ के आसपास बताई जाती है। इस मंदिर के पास 1700 एकड़ की जमीन है, जो इसकी संपत्ति को और ज्यादा बढ़ा देती है। ये वही मंदिर है जिसे महमूद गजनवी ने साल 1025 में लूट लिया था और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब बात करते हैं 7वें नंबर पर कौन सा मंदिर आता है। ये मंदिर है ओडिशा में स्थित। इस मंदिर की संपत्ति है 150 करोड़। मैं बात कर रही हूँ जगन्नाथ पुरी टेम्पल की। यहाँ पर 30,000 से ज्यादा एकड़ से अधिक जमीन है, जो इस मंदिर को और भी खास बनाती है। यह मंदिर रथ यात्रा के लिए जाना जाता है। इस यात्रा में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को एक साथ बड़े रथ पर रखा जाता है, जो पूरे शहर में घूमता है। यह यात्रा इतनी प्रसिद्ध है कि इसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। और इसका विशेष महत्व ये है कि इस सामुदायिक उत्सव में भी सभी धर्मों के लोग मिलकर भाग लेते हैं। 6वें नंबर पर आता है सिद्धिविनायक टेंपल, जो मुंबई महाराष्ट्र में है। यह मंदिर भगवान गणपति, भगवान गणेश को समर्पित है। इस मंदिर की नेटवर्थ 125 करोड़ के आसपास मानी जाती है और यह हर दिन मंदिर 30 लाख की इनकम कमाता है। वैसे तो साल भर में लोग सिद्धिविनायक के दर्शन करने आते ही हैं, लेकिन गणेश उत्सव के दौरान यहाँ भीड़ देखने लायक होती है। हर साल यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इस टेंपल की खूबसूरती और शांति भक्तों को अपनी तरफ खींचती है। इस मंदिर का 19 नवंबर 1801 को लक्ष्मण विठु पाटिल ने किया था। मंदिर के निर्माण का खर्च देव भाई पाटिल नाम की एक धनी महिला ने उठाया था। कहा जाता है कि देव भाई पाटिल की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मंदिर के निर्माण में शामिल होने का फैसला लिया था। चलिए अब बात करते हैं वैष्णो देवी मंदिर की, जो जम्मू में है। यह मंदिर रिचेस्ट टेंपल की लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। इस टेंपल की संपत्ति 500 करोड़ रुपए के आसपास है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, जो माता वैष्णो देवी की पूजा और दर्शन के लिए चढ़ाई करते हैं, यानी ट्रैक करते हैं। ये टेंपल शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी मंदिर की खोज कई शताब्दियों पहले हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना महाराजा गुलाब सिंह ने 1846 में की थी। वैष्णो देवी मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। 108 शक्तिपीठ में से एक है। वैष्णो देवी मंदिर दर्शन के लिए पूरे साल 24 घंटे खुला रहता है। आगे बढ़ते हैं 4थे रिचेस्ट टेंपल, यानी शिरडी साईं बाबा टेंपल की तरफ, जो महाराष्ट्र में है। इस टेंपल की टोटल वेल्थ है 1800 करोड़ रुपए और यहाँ साईं बाबा के लिए 94 किलो सोने से बना एक सिंहासन भी है। यह मंदिर साल 1922 में बना था। यह मंदिर साईं बाबा की समाधि के ऊपर बना है। साईं बाबा के निधन के 4 साल बाद इस मंदिर का निर्माण किया गया था। 2022 में भक्तों ने यहाँ सबसे ज्यादा, यानी 400 करोड़ से ज्यादा धन दिया था। इस टेंपल का मकसद लोगों को शांति और समृद्धि की ओर ले जाना है और यह मंदिर धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र है। अब हम चलते हैं 3रे नंबर पर, यानी तीसरा ऐसा मंदिर जो सबसे ज्यादा अमीर है, यानी गोल्डन टेंपल अमृतसर पंजाब में है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ सिख धर्म का पालन किया जाता है और सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र है। इसकी टोटल वेल्थ है 2000 करोड़। यहाँ 400 किलोग्राम सोना यूज किया गया है मंदिर को बनाने के लिए। गोल्डन टेंपल का मकसद सिर्फ पूजा नहीं बल्कि सभी के लिए सेवा करना भी है। हर दिन यहाँ लाखों भक्त प्रसाद और लंगर का लाभ उठाने आते हैं। श्री दरबार साहिब अमृतसर, यानी स्वर्ण मंदिर अमृतसर की नींव 4थे सिख गुरु गुरु रामदास जी ने 1577 में रखी थी। 2रे नंबर पर आता है पद्मनाभा स्वामी टेंपल, जो तिरुवनंतपुरम केरला में है। यह मंदिर भी करोड़ों की संपत्ति का घर है, जिसकी नेटवर्थ अराउंड 1.2 लाख करोड़ है। हाल ही में यहाँ एक नया खजाना भी मिला, जो सोना चांदी और अनमोल रत्नों से भरा हुआ है। इस खजाने की कीमत आज तक की सबसे बड़ी है। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है और यहाँ की आर्किटेक्चर भी देखने लायक है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि पद्मनाभा स्वामी मंदिर 8वीं सेंचुरी का है, लेकिन जो स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है उसके बारे में कहा जाता है कि 18वीं सेंचुरी में ट्रावणकोर महाराजा मार्तंड वर्मा ने बनाया था। तब से मंदिर का मैनेजमेंट ट्रावणकोर शाही परिवार के वंशजों के हाथ में ही है। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत के सबसे अमीर मंदिरों
मंदिरों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आने वाले मंदिर की, जो है तिरुपति वेंकटेश्वर टेंपल, जो आंध्र प्रदेश में है। यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। इसकी नेटवर्थ मानी जाती है करीबन 2.5 लाख करोड़। समझिए, ये अमाउंट इतना ज्यादा है कि यह विप्रो, नेस्ले और इंडियन ऑयल जैसी कंपनीज, यानी बड़ी कंपनीज के भी टोटल वैल्यू से भी ज्यादा है। हर साल यह मंदिर करीब 1400 करोड़ रुपए कमाता है। यह कैसे होता है? तो यहाँ आने वाले भक्तों की भक्ति और उनका दान इस मंदिर की आर्थिक स्थिति को मूल कारण बताता है। हर साल यहाँ लाखों लोग दर्शन करने आते हैं और इनके धन से यह मंदिर अपने कई कार्यक्रमों को संभालता है। ऐसा माना जाता है कि 900 साल पहले वैष्णव संत और दार्शनिक रामानुजाचार्य ने भगवान वेंकटेश्वर के तिरुमाला मंदिर की स्थापना 24 फरवरी 1130 को की गई थी। हाल ही में इसके ऊपर एक कॉन्ट्रोवर्सी भी आई थी, जहाँ पे लड्डू के ऊपर बताया गया था कि लड्डू में शायद बाकी एनिमल फैट मिला है, लेकिन अभी तक उसकी कोई पुष्टि हुई नहीं है। देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है। सरकार अपना काम कर रही है, बाकी जो कंपनीज हैं वो भी इसको लेकर अपनी रिसर्च कर रही हैं। रिसर्च जारी है, जानकारी जैसे ही आएगी हम आपको जरूर पहुंचाएंगे। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो भी आपको बनाकर दी हुई है, जहां पर हमने बताया है कि कैसे इस मंदिर में एक लड्डू की इतना महत्व है, वो कितना कमाते हैं, वो लड्डू जो प्रसाद में मिलता है वो कितने पैसे कमा लेता है इस मंदिर में। तो अगर आपको उस मंदिर और लड्डू के बारे में जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। वीडियो का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर पॉप भी हो रहा होगा, तो आप वहां जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ऐसे कुछ फैक्ट पता चले होंगे जो शायद ही आज तक हम लोगों ने ना सोचे होंगे कभी और ना ही कभी इनको जानने की कोशिश की होगी। लेकिन अब मैं उम्मीद रखती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। आप अपने कोई भी डाउट, सजेशन या फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए, मैं मानसी मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में।